उन्नाव से बड़ी खबर। उन्नाव, सीडीओ दिवांशी पटेल की गुंडई का वीडियो हुआ वायरल। मियांगंज में हो रहे चुनाव में कवरेज कर रहे कैमरामैन को डीसीओ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पत्रकार के साथ हुई अभद्रता का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में कैमरामैन के साथ दिख रहे डीसीओ पत्रकारों में आक्रोश। मियांगंज ब्लॉक में बैठे पत्रकार धरने पर। उन्नाव के मियांगंज ब्लॉक का पूरा मामला है, देखिए पूरी खबर सिर्फ ई क्राइम न्यूज 24 पर। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जमाल की खास रिपोर्ट। कृष्णा, ये बताओ तुम्हारे साथ क्या पूरी अभद्रता पे जिला प्रशासन ने किया है और किसको लेकर ये बवाल हुआ? आज ब्लॉक प्रमुख को लेकर नौ दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं। मियांगंज हम लोग सुबह कवरेज करने आए थे, अभी जगह हम लोग पीछे कवरेज करने गए थे, वहाँ पे दो स्कॉर्पियो में गाड़ी भरे लोग आए, हम लोग को मारा पीटा है, मेरे दोनों मोबाइल तोड़ दिए गए। उसके बाद हम यहाँ जहाँ मतदान हो रहा है यहाँ पर खड़े हो गए थे। कुछ लोग अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता यहाँ टहल रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उसके बाद सीडीओ साहब आए, फोर्स आया था, यहाँ सीओ भी थे हम बांगरमो और दौड़ा रहे थे, जो हमसे धक्का मुक्की करने लगे। हमने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, कैमरा मेरा ऑन था और हमको मारने पीटने लगे, हम उसको गाली दे रहे हो, बराबर हमको मारते चले गए। ये देखो मेरा बेटा, ये मेरा नाखून फट गया है, ये देखिए, मतलब सीडीओ का वीडियो भी मेरे पास रिकॉर्ड है और खुले मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई सिपाही मारता तो मैं सोचता कि पूरे जिले में इतना फोर्स है, मुझको नहीं पहचान पाया, पर सीडीओ लगातार मीटिंग में आते पहचानते, उसके बाद हमको जबस्ती मार रहे हैं। सीडीओ से तौर तुमको किसने मारा पीटा? कुछ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और भी थे, जो गले में दुपट्टा कुछ अंगोछा डाले थे, वो लोग मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाया है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सारे कार्यकर्ता सब आसपास घूम रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, उनको हाथ पकड़ पकड़ के किनारे पर किनारे कर रही है ले जाए जाके, और उल्टा गुस्सा मीडिया पर निकाल रही है केवल। डीएम साहब, एक वीडियो जर्नलिस्ट के साथ यहाँ के उन्नाव के सीडीओ मारपीट की है, उसका वीडियो भी है साहब, तो अभी आपको एप्लीकेशन दी गई है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज मियांगंज में एक हमारे पत्रकार साथी श्री कृष्णा तिवारी जी के साथ एक वीडियो वायरल हुआ है कि विकास अधिकारी श्री दिव्यांशु ने उन्हें धक्का दिया मारपीट की। अभी हमारी सभी पत्रकार साथियों से वार्ता हुई है और मुख्य विकास अधिकारी ने माफी मांगी, लेकिन कृष्णा तिवारी जी ने ये प्रार्थना पत्र दिया है और बिल्कुल मैं आश्वस्त करता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होगी। इस प्रार्थना पत्र हम जांच करवाएंगे और जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उस पर जरूर होगी, और मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध करता हूँ कि इसमें पूर्ववत जैसे अभी तक आपने हमारा सहयोग किया है, कृपया सहयोग करें और विश्वास रखें कि इसमें जो बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई। भीम साहब, सीडीओ साहब के साथ एक भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ मारपीट में शामिल था, साफ तौर पे उस वीडियो में दिख रहा है, तो क्या उसको चिन्हित किया गया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है? जी, जैसा मुझे बताया गया है कि वो उसको पकड़ लिया गया है और विसंबद्ध कार्रवाई कराई जाएगी।